ये है दिल्ली दर्पण दिल्ली एनसीआर का नंबर वन वेब चैनल। धर्मनगरी हरिद्वार में लोग गंगा आरती और गंगा पूजन के लिए भारी संख्या में पधारते हैं, लेकिन भारी संख्या में उमड़ी भीड़ के बाद भारी मात्रा में गंगा के अंदर गंदगी फैल जाती है, जिसको साफ करने के लिए प्रशासन हर साल दशहरा से लेकर दीपावली तक गंगा को पीछे से बंद कर सफाई का कार्य करता है। लेकिन इस साल समाज सेवी संगठन के कार्यकर्ताओं ने इसे रोकने की मांग की है। इस दौरान भारतीय जनता पार्टी नेता और समाज सेवी संजय चोपड़ा ने गंगा किनारे लोगों से बातचीत कर सरकार से मांग की है कि इस साल त्योहारों के समय पर गंगा को बंद ना किया जाए, ताकि दशहरे से लेकर दीपावली तक त्योहारों का संगम होता है। इस दौरान गंगा बंद होने से यहां आने वाले श्रद्धालुओं को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। आपको बता दें कि पहले भी कई सामाजिक संगठन और व्यापारी वर्ग त्योहारों के समय गंगाबंदी रोकने की मांग करते रहे हैं, लेकिन अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या इस बार त्योहारों के समय को छोड़कर बाद में गंगा बंद कर उसकी सफाई की जाएगी या नहीं। क्या सरकार इन लोगों की बात सुनेगी, ये तो वक्त ही बताएगा। हमने देखा दशहरे से लेकर और दीपावली तक जो है त्योहारों का संगम होता है, इस त्योहारों के संगम पर गंगाबंदी नहीं होनी चाहिए, गंगाविहीन नहीं होनी चाहिए। और काफी समय से हरिद्वार के जो है विभिन्न संगठनों की ये मांग चलती रही है और व्यापारी वर्ग भी इसमें मांग उठाते रहे हैं, गंगा सभा भी उठाती रही है। तो हमारा यही आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से निवेदन करना है उत्तर प्रदेश सरकार से, विशेष रूप से, कि त्योहारों के संगम पर ये गंगा बंदी का फैसले का कोई औचित्य नहीं है। दिल्ली दर्पण टीवी के लिए आलोक शर्मा की रिपोर्ट। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज को लाइक करें या लॉग ऑन करें www.dellydarpantv.com। दिल्ली दर्पण टीवी पर खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर